आज कुछ चटपटा सा बनाया जाए। ये स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न को हम व्हाइट सॉस में बनाएंगे। ये क्रीमी व्हाइट सॉस है और साथ में हमने चीज़ भी डाला है। ये बहुत टेस्टी बनता है। और ये किस तरीके से बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। आज हम ये स्वीट कॉर्न बनाएंगे। इस स्वीट कॉर्न को हमने बॉईल कर दिए। आपको सिर्फ नमक डाल के इसे बॉईल करना है। 4 सीटी लेनी है, उसके बाद इसके दाने निकाल लेना है। अब मैं आपको स्वीट कॉर्न बना के दिखाती हूँ। अब हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें बटर डालेंगे। हमने जितना बटर लिए उतना मैदा लेंगे। हम इसमें 2 स्पून मैदा डालेंगे। अब मैदे को अच्छे से भूनेंगे हम बटर में। आप गैस एकदम स्लो रखिए, एकदम स्लो गैस पे आपको इसे भूनना है। आपने जितना बटर लिए उतना ही आपको मैदा लेना है। आपको मैदे को एकदम स्लो गैस पे अच्छे से भूनना है। ये हमारा मैदा भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम 300 ml दूध डालेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब हम बीटर ले लेंगे और इससे मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स फॉर्म नहीं हो। आपको इसे कंटिन्यूसली बीट करना है। आपको इसे अच्छे से बॉयल आने तक पकाना है। आप कंटिन्यूसली मिक्स करते जाइए। ये एकदम स्मूथ बन गया है, क्रीमी टेक्सचर आ गया है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमारा गैस हम एकदम स्लो कर देंगे। इसे भुनने में एटलीस्ट 10 मिनट लगता है। आप स्लो गैस पे इसे भूनिए। अब मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच काली मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ऑलरेडी कॉर्न बॉईल किए थे तो उसमें नमक डाला है, इसके लिए हम नमक नहीं यूज़ करेंगे अभी। अब ये जो हमारे कॉर्न है हम इसे डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना हमारा सॉस बना है उसके हिसाब से हम कॉर्न डालेंगे, एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। इसे हम टेस्ट करके देखेंगे। ये एकदम परफेक्ट है, नमक मिर्ची सब अच्छा है। मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अब ये रेडी हो गया, हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारा कॉर्न रेडी हो गया है। ये हमारा कॉर्न रेडी हो गया है। इसमें हम चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये हमारा टेस्टी स्वीट कॉर्न रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी लगता है, आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।